हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले आज राष्ट्रव्यापी काला दिवस के अवसर पर हाजीपुर के गांधी चौक पर अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य अध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद यादव, किसान सभा के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार, राजेंद्र पटेल, ट्रेड यूनियन नेता अमृतगिरी खेतव, ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव रामबाबू भगत के नेतृत्व में काला दिवस मनाया गया। इस काला दिवस में पैक्स अध्यक्ष सतिंदर, सुनीता देवी, सुशीला देवी, चंपा देवी, इंदु देवी, जंगली देवी, चांदनी कुमारी, पर्वतीय देवी, शंकर साहनी, ललिता देवी सहित सैकड़ों किसान शामिल थे। आप लोग ये आंदोलन बिहार सरकार और भारत सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध है। पिछले दिनों हाजीपुर में किसानों के समर्थन में रेल चक्का जाम का कार्यक्रम संयुक्त किसान समन्वय समिति की ओर से की गई थी, जिसमें हमारे नेताओं के ऊपर मुकदमा करके हमको दमन करने का काम किया गया है। इसके विरुद्ध हम लोग जैसे आज आए हैं और साथ ही जो बिहार विधानसभा पर किसानों और नौजवानों का जो कार्यक्रम था रोजगार के सवाल पर और उस पर जो दमन बिहार सरकार ने किया है, उसके विरुद्ध हम लोग आज बिहार सरकार को, भारत सरकार को काला झंडा दिखाते हुए विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि तमाम कृषि कानून वापस ले जो नई कृषि कानून सौंपी जा रही है, और रोजगार के सवाल पर जो उन्होंने बिहार सरकार कह के आई है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, वो रोजगार सृजित करे और सरकारी क्षेत्र में वह रोजगार जैसे कि बिहार के नौजवानों को दे। इसी मांग के साथ बिहार राज्य किसान सभा जिला इकाई की तरफ से ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है हाजीपुर गांधी चौक पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजीव कुमार, बिहार राज्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष, अधिवक्ता हाजीपुर।